तो गाइस अभी जो बाइक देख रहे हो आप, यह 2024 की द ऑल न्यू अपाची आरटीआर 160 2V का रेस एडिशन। गाड़ी के अंदर देख सकते हो आप, टोटली यहाँ पे नए ग्राफिक्स मेंशन कर रखे हैं। कलर आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। फ्रंट में आपको मिल रहा है रेड कलर का अलॉय, पीछे भी आपको रेड मिल जाता है। टोटली मैट ब्लैक फिनिशिंग में पूरी गाड़ी रहने वाली है, जिस पर रेड एंड ब्लैक कलर के स्टिकर मेंशन किए हैं। तो रेड कलर आपको पहले मिल रहा था अपाची 160 4V में, जो कि वहाँ दूर पीछे खड़ी हुई है, वही सेम एडिशन आपको मिल रहा है 160 2V में। तो अब दोनों वेरिएंट में आपको एक एडिशन कलर देखने को मिल जाता है। तो आप चाहो तो 160 2V में एडजस्ट कर सकते हो या फिर 160 4V पे जा सकते हो। गाड़ी का जो प्राइस है 1,56,000 रहने वाला है, जो कि ऑन रोड प्राइस है दिल्ली या फिर दिल्ली NCR का। जो रिव्यू है ऑलरेडी मेरे चैनल पर डला हुआ है, इसलिए मैं बताऊंगा इस गाड़ी की EMI की डिटेल कि 2024 में इस गाड़ी को आप परचेस करते हो तो पर मंथ की आपकी EMI क्या बनेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, कौन कौन से पेपर आपको शोरूम की तरफ से दिए जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब इस गाड़ी को लेने के लिए आप जाओगे शोरूम के अंदर, तो वहाँ से मिलेगी आपको 5 ईयर इंजन वारंटी, 5 साल का इंश्योरेंस, कुछ सर्विस आपको फ्री दी जाती है। अब फ्री में लोगों का कमेंट होता है, भाई फ्री कैसे मिलती है, फ्री तो मिलती नहीं। तो फ्री में ये होता है कि जो लेबर चार्ज होता है, जो लेबर हाथ लगाती है काम करती है, उसका पैसा नहीं देना होता। जो सामान डलता है उसका पैसा देना होता है। फ्री वाली सर्विस आपकी खत्म हो जाएगी तो लेबर हाथ लगाने के भी पैसे लेती है। तो फ्री सर्विस वो होती है कि लेबर अपना चार्ज नहीं लेगी, सिर्फ सामान का चार्ज लेगी। बाकी टेम्प्रेरी RC मिलती है, बिल दिया जाता है, पॉल्यूशन पेपर और इंश्योरेंस पेपर। अब इसमें दो डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड टू हैंड मिलते हैं, क्या बिल मिलेगा और इंश्योरेंस पेपर। पॉल्यूशन पेपर और टेम्प्रेरी RC मिलती है आपको 2 दिन बाद, जब आपकी नंबर प्लेट आती है। नंबर प्लेट के साथ आपको दो डॉक्यूमेंट्स तब हैंडओवर होते हैं। तो आप डाउन पेमेंट की बात कर लेते हैं, तो इस गाड़ी को आप 30,000 की डाउन पेमेंट पर ले सकते हो। सिविल स्कोर रहेगा 750 प्लस, तो 25,000 में भी आपको ये बाइक मिल जाएगी। तो 30,000 की डाउन पेमेंट आपको मिनिमम करनी ही पड़ेगी अगर आपका सिविल स्कोर ख़राब है। 30,000 की डाउन पेमेंट पे फाइनेंस करवाते हो 12 महीने यानी 1 साल के लिए, तो EMI बनेगी आपकी 12,000 रुपये की, जो कि हर महीने पे करने पड़ेंगे। 30,000 की डाउन पेमेंट देके 18 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे तो 8,500 की EMI बन जाती है हर महीने की। 24 महीने यानी 2 साल के लिए फाइनेंस करवाओगे तो EMI बनेगी आपकी 6,600 रुपये की, जो कि हर महीने पे करनी पड़ेगी। सेम प्राइस पे 30,000 की डाउन पेमेंट पे 30 महीने के लिए फाइनेंस करवाओगे तो EMI बनेगी 5,560 रुपये की, 5,560 रुपये की आपकी EMI बन जाती है, जो हर महीने आपको पे करनी पड़ेगी। 36 महीने के लिए भी फाइनेंस करवा सकते हो आप सेम प्राइस पे करके, सेम पैसे देके, जिसमें आपकी EMI बनती है 4,800 रुपये की। तो आपकी जो EMI का प्लान है वो कुछ इस तरह से रहने वाला है। आप चाहो तो 30,000 की डाउन पेमेंट करके 12 महीने के लिए, 18 महीने के लिए, 24 महीने के लिए, 30 या फिर 36 महीने के लिए, इसमें से कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से, जो बेस्ट आपको लगता है वहाँ पर आप जा सकते हो। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ये बाइक परचेस करने के लिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक से जुड़ी कोई भी डिटेल, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, चेकबुक, पासबुक और ATM कार्ड। चेकबुक के थ्रू भी ले सकते हो, पाओगे तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा। 6 महीने का नहीं है तो 3 महीने का कंपलसरी है, वो दिखा के इस बाइक को ले सकते हो। ATM कार्ड जो है सबसे बेस्ट हो जाता है। ATM कार्ड ऐड करवाने के बाद आपकी ट्रांजेक्शन हो जाएगी ऑनलाइन, जिससे हर महीने आपकी जो EMI होगी वो कटेगी सीधा आपके अकाउंट से, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस ध्यान रखना, जो भी EMI की डेट दी जाती है आपको, उसे 2 दिन पहले चेक कर लेना अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं। एक दिन भी मिस करते हो तो 500 से 700 रुपये तक की आपकी पेनल्टी लग सकती है, तो आपका नुकसान है उसमें। तो इस बात का ध्यान रखें, EMI की डेट से पहले चेक कर लें अकाउंट में पैसा है या फिर नहीं। तो अगर आप ये बाइक परचेज़ करना चाहते हो तो शोरूम का जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारा जो है आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। यहाँ पे जो है शोरूम के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके उनसे डिटेल ले सकते हो, या फिर आपको सीधा मैनेजर से बात करनी है तो यहाँ पे ये देख सकते हो नंबर, इसको आप सेव कर लो अपने फ़ोन में। तो यहाँ पे ये नंबर पे कॉल करके आप इस बाइक के बारे में या फिर और कोई भी बाइक के बारे में आपको किसी तरह की भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। तो बाइक से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर कर दिया है, आप कॉल करके पता कर लेना। तो गाड़ी की EMI, डाउन पेमेंट, डॉक्यूमेंट्स और पेपर सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी कुछ मिस रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना। EMI प्लान आपको कैसा लगा वो भी बता देना। TVS की कोई भी बाइक परचेज करना चाहते हो तो शोरूम का एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। दिल्ली में रहने वाला है ये, पुल पहलादपुर के पास नियर शिव मंदिर के पास रहने वाला है। तो कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल जान सकते हो इस गाड़ी के बारे में, अदर जो गाड़ियाँ हैं उनके बारे में भी। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो गाइस लेते अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद।